বলো জয়কারা, বল মিরে শ্রী গুরু মহারাজ কি যে, বলো সাচে দরবার, বলো শ্রী নন্দী নিবাসী ভগবান, রুহানি শহনশাহ অনন্ত শ্রী বিভূষিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্ম শ্রোত্রিয় শ্রী এক হাজারা শ্রী সদ্গুরুদেব স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ কি যে, জিনকা মেয়ে হুম মেয়ে লিখে তাকো ধীর কর লীন, मैं रहा ना मैं विखे हंग समाप्त की, हंग समाप्त जब हुआ हुआ सो प्रकाश, सो स्वरूप दर्शन बना अर्पुम सतगुरु पास, शुभ जीवन लिख कर किया गुरु कृपा अनुसार, कर अर्पण गुरु चरण में मोमन मोदित अपार, श्री स्वरूप दर्शन करे पड़े सुने चित लाए, ध्यान लगे गुरु चरण में जन्म सफल हो जाए, पड़े सुने जो प्रेम से अनुमोदन कर हेत, परम हंस गुरुदेव तहे चार पदार्थ देत, श्री गुरु कृपा कटाश ते पाइये मोक्ष द्वार, दासा सतगुरु चरण पर तन मन डारो वार, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन हृदय सम्राट स्वामी परम ज्ञानानंद जी और कुछ अन्य सेवादार महात्माओं के साथ सैर के लिए गए। एक घने जंगल के समीप पहुँच कर महाप्रभु ने कार वहीं रुकवा दी और स्वयं पैदल घूमने लगे। जब कुछ आगे आए तो एक अकस्मात झाड़ी में से किसी जंगली जानवर पशु की आहट हुई। आप साधारण मनुष्यों के समान डर कर वहाँ से भागे और अपने सेवादार महात्माओं को भी आज्ञा दी कि यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ कोई भयंकर जंगली जानवर है। श्री सद्गुरुदेव जी को इस प्रकार भयभीत देकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी के दिल में यह शंका उत्पन्न हो गई कि श्री महाराज जी निर्भय पद के पासी और अनंतरी अंतर्यामी होकर इस प्रकार क्यों डरे। उनके मन में सूक्ष्म रूप से इस शंका ने घर कर लिया कि जो दूसरों को अभय पद प्रदान करने वाले हैं वे स्वयं क्यों डरे। इस शंका को वे किसी के आगे प्रकट भी ना कर सके और ना ही उन्होंने श्री चरणों में अपने इस शंका को रखा। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि श्री महाराज जी को इस प्रकार नहीं डरना चाहिए था। थोड़ी देर बाद महाप्रभु सैर से लौट आए। शंका का समाधान। दूसरे दिन गुरुदेव फिर सैर के लिए चल पड़े। अंतर्यामी सद्गुरुदेव जी अपने सेवक की भावना को बली बांधती जानते थे। पैदल सैर करते करते महाप्रभु काफ़ी दूर निकल गए। तब एक स्थान पर हरी हरी घनी घास को देख गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और अपने सेवकों को सत्संग सुनाने लगे। सभी महात्मा जन एकाग्रचित होकर सत्संग सुनने लगे। तब अकस्मात स्वामी परम ज्ञानानंद जी की नज़र श्री चरणों पर पड़ी। स्वामी परम जी ये देखकर बहुत हैरान रह गए कि एक बड़ा भयानक काले रंग का सांप श्री महाराज जी के चरणों में बैठा है। सांप ठंडी घास में लेट कर श्री चरणों का दर्शन कर रहा था। कभी कभी वे सद्गुरुदेव जी के चरणों को छू भी लेता था। इस भयानक दृश्य को देखकर वे श्री महाराज जी को ना तो बाजू से पकड़कर एक तरफ कर सके और ना ही उस भयंकर सांप को वहाँ बैठा देख सके। गुरुदेव के सत्संग में कोई विघ्न न पड़े इस विचार से वे कुछ ना बोले। फिर जब सांप सिर उठाकर श्री महाराज जी की टांग पर चढ़ने लगा तो उन्होंने डर कर ऊँची आवाज़ से कहा, हुजूर आपके चरणों में सांप लेट रहा है। समदृष्टि महाप्रभु कुछ भोले बनकर बोले, कहाँ है भैया, हमको तो दिखाई नहीं देता, फिर यहाँ सांप का क्या काम। तब सांप को अपने चरण कमलों से एक ओर धकेल कर दाता दीनदयाल जी बोले, व्यर्थ शोर मत किया करो। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी एक तरफ हटकर कहने लगे, अच्छा यदि आपको यहाँ कोई डर दिखाई देता है तो हम कहीं और चल जाते हैं, क्योंकि सांप डर वाली चीज तो हुई। वैसे यदि सोचो तो यह भी आपके समान ही सत्संग सुनने या दर्शन करने आया होगा। फिर संकेत रूप में महाप्रभु ने कहा कि हो सकता है कि ये किसी की शंका का समाधान करने आया हो।
स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए कहा, दाता जी मेरे मन में कल यह संशय हो गया था कि आप निर्भय बद के स्वामी होकर एक जंगली जानवर से डरकर क्यों भागे। गुरुदेव आज आपने मेरी कल वाली शंका का समाधान कर दिया है। श्री महाराज जी ने स्वामी परम जी का प्रेम देखकर अपनी महिमा को बातों में ही डाल दिया। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।